गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री, वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय के सिलेबस में उसके अनुसार हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा है, रेशों का वर्गीकरण। उसमें प्रोटीन फाइबर्स हम पढ़ रहे हैं। प्रोटीन फाइबर में हमने सिल्क कम्प्लीट कर लिया और वुल यानी ऊन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ऊनी रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वुल फाइबर। कई तरह की होती हैं वुल, अलग अलग जगह से प्राप्त होती है और अलग अलग तरह की वुल होती है, इसलिए ऊनी रेशों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कई प्रकार की वुल होती है। पहली है मेमने की ऊन, लैम्स वुल। लैम्स वुल मतलब भेड़ का जो बच्चा होता है, यानी 8 माह का बच्चा भेड़ का, वो मेमना कहलाता है। और 8 माह के मेमने की पीठ पर से जो रेशे निकाले, जो रोएं निकाले जाते हैं, उसके बाल निकाले जाते हैं, वो लैम्स वुल कहलाती है। मतलब भेड़ के बच्चे की पीठ पर से उतारी हुई जो वुल होती है वो मेमने की ऊन या लैम्स वुल कहलाती है। लेकिन 8 माह का मेमना जो होगा उसी की जो वुल होती है वो उत्तम क्वालिटी की होती है। लेकिन अगर 4, 5 या 7 महीने के मेमने पर से ही निकाल लेंगे अगर वुल, तो वो अपरिपक्व होगी। वो पूरी पकी हुई मतलब पूरा डेवलप नहीं हो चुका होगा, तो फिर वो जो अपरिपक्व अवस्था में अगर ले लेंगे हम उस वुल को, तो वो मजबूत नहीं होती है। फिर दूसरी तरह की ऊन है हॉगेट वुल, हॉगेट ऊन। हॉगेट ऊन जो है वो 12 से 14 माह का जो भेड़ होता है उससे प्राप्त होती है। और जो हॉगेट वुल है वो बहुत मजबूत, कोमल और चमकदार होती है। मतलब 12 से 14 माह की जो भेड़ होती है उसके पीठ से जो निकाली गई है वो हॉगेट वुल होती है। वो बहुत कोमल और मजबूत होती है, चमकदार होती है। चूंकि वो मजबूत होती है इसीलिए हॉगेट वुल के ताने बनाए जाते हैं। ताना मतलब एक पूरा जो उसके लिए जो एक बनाया जाता है, ताने जो है वो लंबे वाले धागे होते हैं और उसके अंदर बाना बुना जाता है। तो पूरे स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो लंबे वाले धागे हैं यानी वॉर्प, तो ताने के सूतों को हॉगेट वुल से बनाया जाता है। तीसरी तरह का जो ऊन है वो है वेदर ऊन, वेदर वुल। वेदर वुल जो होती है वो ऐसी भेड़ों से प्राप्त होती है जिन भेड़ों की पहले से कटाई हो चुकी है। एक बार उनकी पीठ पर से उनके रोएं हटा लिए गए हैं और उसके बाद में जब दोबारा तिबारा उस रेशे को हटाया जा रहा है, उनके बालों को हटाया जा रहा है, ऐसी भेड़ों की जो ऊन होती है उसको हम वेदर वुल कहते हैं। लेकिन वेदर वुल जो होती है वो अधिकतर थोड़ी गंदी सी और मटमैली जैसी होती है। चौथी तरह की जो ऊनी रेशे हैं वो हैं खींची गई ऊन। खींची गई ऊन यानी पुल्ड वुल। पुल्ड वुल में जो भेड़े सिर्फ मारकर खाने, मतलब खाने के लिए जिनको पालते हैं और खाने के लिए पालते हैं और खाने के लिए उनको मार के खा लेते हैं, तो जब मार के और खाते हैं तो उनका जो ऊपर का जो कवर है, जो उनकी खाल है, उस पर केमिकल लगा दिया जाता है, कुछ रसायन पदार्थ लगा दिया जाता है और जो ऊन वाली परत होती है, ऊपरी परत, उसको खींच ली जाती है, उसको अलग कर ली जाती है। इसलिए उसको पुल्ड वूल या खींची हुई ऊन कहते हैं। पांचवी तरह की ऊन है डेड वुल, मृत वुल, मृत ऊन। मृत ऊन जो है वो उन भेड़ों की पीठ पर से ली गई है जो भेड़े या तो दुर्घटना में मरी है या फिर किसी और कारण से उनकी मृत्यु हो गई है। तो उन भेड़ों से जो उतारी गई ऊन होती है वो डेड वूल यानी मृत ऊन कहलाती है। और मृत ऊन जो होती है उससे जो भी चीज, जो वस्त्र बनते हैं वो बहुत ही निम्न श्रेणी के बनते हैं, क्योंकि ये वूल भी निम्न श्रेणी की होती है। छठी तरह का ऊनी रेशा है कोटी ऊन, कोटी वुल। कोटी वुल में
उन भेड़ों से ली जाती है जिन भेड़ों को न तो कोई उत्तम भोजन दिया जाता है, न कोई उनको अच्छी जलवायु में रखा जाता है। ऐसी वाली जो भेड़ होती है कि न उनको अच्छा खाना मिला, न उनको जलवायु अच्छी मिली, तो ऐसी भेड़ से उन पे उनकी पीठ से जो वूल निकाली जाती है, जो प्राप्त ऊन होती है, वो बहुत ही सख्त और खुरदरी होती है, और उस वूल से सिर्फ नमदे यानी कालीन ही बनाए जाते हैं, वो बहुत ही सख्त होती है कोटी वूल। सातवीं तरह की है टैगलॉक ऊन, टैगलॉक वूल। टैगलॉक वूल जो होती है वो बहुत ही टूटी फूटी बदरंगी सी वूल होती है। आठवें तरह का है कारपेट वूल, कालीन वूल। कालीन वूल बहुत ही खुरदरी होती है, और जो खुरदरी ऊन होती है उसी को कालीन ऊन कहते हैं, कारपेट वूल कहते हैं, और कारपेट वूल से दरिया, कालीन आदि बनाए जाते हैं। और लास्ट है कुंवारी ऊन, वर्जिन वूल। वर्जिन वूल मतलब कि ऊनी रेशे जब उनको उपयोग में लेते हैं, ऊनी रेशों को उपयोग में या उपयोग करने से पहले जो स्थिति होती है उसे हम वर्जिन वूल कहते हैं। तो इस तरह से जो आज मैंने पढ़ाया वो है ऊनी रेशों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वूल। कई तरह की वूल होती है, जिस भी स्टेज से, जिस भी जानवर से, जिस भी तरीके से निकाली गई है उस अनुसार उसका नामकरण हो जाता है। जैसे 8 महीने के मेमने से निकाली जाती है तो वो लैम्स वूल हो जाती है, लेकिन वो उस वक्त तो उत्तम किस्म की है, लेकिन अगर अपरिपक्व अवस्था में ले लेंगे तो फिर वो लैम्स वूल जो है वो अच्छी मजबूत नहीं होती है। जो 12 से 14 माह के भेड़ से लिया जाता है वूल, वो बहुत ही मजबूत, कोमल और अच्छा चमकदार होता है, और उससे ताने के सूत बनाए जाते हैं। और जो भेड़ पहले से, जिस भेड़ की कटाई हो चुकी है, एक बार उनमें से वूल उतर चुकी है, दोबारा उतारते हैं, वो वेदर वूल कहलाती है, लेकिन ये बहुत ही गंदी और मटमैली होती है। जिन भेड़ों को मार कर खाने के लिए पाला जाता है, तो जब उनको मारा जाता है उसके पहले उन पर केमिकल का एक लिक्विड, एक रासायनिक लेप लगा दिया जाता है। रासायनिक लेप लगाने से ऊपर का जो उनके वुल वाली जो ऊन की जो परत होती है वो खींच ली जाती है, और वो बहुत ही निम्न श्रेणी की, वो केमिकल निकाल के और ऊन वाली परत को अलग कर लिया जाता है, उसे हम पुल्ड वूल या खींची गई ऊन कहते हैं। जो भेड़े यूं ही कोई कारण से या एक्सीडेंट से मर जाती हैं, जो मृत्यु को प्राप्त कर जाती हैं, उनके ऊपर से जो ऊन उतारी जाती है उसको हम मृत ऊन, डेड वूल कहते हैं, लेकिन ये निम्न श्रेणी की होती है। जिन भेड़ों को उत्तम खाना, उत्तम जलवायु नहीं मिलती, उनके ऊपर से जो वूल प्राप्त होती है वो बहुत ही सख्त और खुरदरी होती है, और उससे सिर्फ नमदे बनते हैं, उसे कोटी ऊन कहते हैं। एक होती है टैगलॉक ऊन, टैगलॉक वूल बहुत ही टूटी फूटी और बदरंगी होती है। एक कालीन ऊन होती है जो बहुत ही खुरदरी होती है, और चूंकि खुरदरी है इसीलिए उसको कारपेट वूल कहते हैं, और उससे दरी और कालीन बनाई जाती है। और लास्ट है वर्जिन वूल, कुंवारी ऊन। ऊन को, ऊन के रेशों को उपयोग करने से पहले की जो स्टेज होती है वो कुंवारी ऊन कहलाती है। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन ऑफ वूल के बारे में कंप्लीट हुआ। थैंक यू।